धीरे धीरे चलो। कदम के इस पेड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराया करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वृंदावन के एक धार्मिक स्थान निधिवन में, जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा गोपियों के संग रासलीला रचाने आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा निधिवन घुमाने वाला हूं। निधिवन की क्या टाइमिंग है, यहां आप कैसे पहुंचें, निधिवन का क्या इतिहास है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, निधिवन वृंदावन में चीर घाट के पास में और प्रेम मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको प्रेम मंदिर से डायरेक्ट बैटरी रिक्शा यहाँ तक के लिए मिल जाएगा और मथुरा रेलवे स्टेशन से निधिवन की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। आपको मथुरा से डायरेक्ट यहाँ तक के लिए बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। चीर घाट से आपको वृंदावन की इन कुंज गलियों से पैदल ही चलकर आना होगा दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। दोस्तों, टाइमिंग की बात करें तो निधिवन श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, हम निधिवन पहुंच चुके हैं। चीर घाट से यहां पहुंचने में दोस्तों हमें सिर्फ 5 मिनट लगा पैदल। सामने आप देख रहे हो दोस्तों, ये निधिवन का गेट नंबर 2 है। हम यहां से अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों। निधिवन के बाहर दोस्तों आप अपने जूते ना उतारें, निधिवन के अंदर भी जूता स्टैंड बना हुआ है, आप वहां पे अपने जूते जमा करा सकते हैं। दोस्तों, निधिवन के अंदर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, आप यहां से भी ख़रीद सकते हो। ये देखिए सामने रखा हुआ है। हम निधिवन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी टिकट, कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। इन बाँस की फट्टियों के अगल बगल दोस्तों आप जितने भी पेड़ यहाँ पर लगे हैं तुलसी के, दोस्तों शाम को रात के समय ये सारे तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। कहते हैं कि रात में राधा और कृष्ण भगवान यहाँ पर रास रचाते हैं। शाम को मंदिर बंद हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। कहा जाता है कि शाम को मंदिर बंद हो जाने के बाद गलती से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रुक जाता है तो ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा होता है। कहते हैं कि रात में मंदिर बंद हो जाने के बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रास रचाने आते हैं और इस वन में लगे सभी तुलसी के पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि निधिवन के इस मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। यहीं पर ही श्रद्धालु प्रसाद और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ, आगे और भी मंदिर हैं। यहाँ पर दोस्तों मंदिर बंद होने से पहले भगवान कृष्ण और राधा जी के लिए एक बिस्तर सजाया जाता है और बिस्तर के बगल में पानी और श्रृंगार का सामान रखा जाता है और साथ में दातून और पान भी रखे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जब सुबह मंदिर खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा मिलता है, बिखरा हुआ पड़ा मिलता है दोस्तों, और जो लोटे में पानी रखा जाता है वो पानी भी गायब रहता है और दातून इस्तेमाल किए हुए होते हैं। इसलिए लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रासलीला रचाते हैं। सामने आप देख रहे हो दोस्तों, ये तुलसी का पौधा। दोस्तों, यहाँ पे लगे सभी तुलसी के पौधे रात में गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह होते ही वापस दोस्तों ये पौधे के रूप में आ जाती हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, दोस्तों ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुलता है, लेकिन दोस्तों बीच में दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बंद रहता है। दोस्तों, यहाँ पर बंदर बहुत हैं, आपके पास जो सामान है, मोबाइल, टोपी, चश्मा, उनको बचा के रखें, बंदर उनको देखते ही झपट्टा मार के छीन के भाग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर लोग राधा कृष्ण की भक्ति में मगन होकर नाच रहे हैं। Thank you.
ये देखिए दोस्तों, निधिवन में एक और प्यारा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ निधिवन का। ये देखिए सारे पेड़ लगे हुए हैं तुलसी के, यहाँ पे चारों तरफ दोस्तों आपको तुलसी के पेड़ ही नज़र आएंगे। दोस्तों हम वापस चीरघाट पर आ गए हैं। दोस्तों आप वीडियो में ये पेड़ देख रहे हो कदम का, दोस्तों ये कदम का वही पेड़ है जिस पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण कर लेते थे। दोस्तों पहले यमुना नदी यहीं से बहती थी, लेकिन अब थोड़ी दूर हो गई है। आप देख सकते हो सामने यमुना नदी है। दोस्तों आप देख रहे हो कदम का पेड़, इसकी टहनियाँ दोस्तों ये देखिए पिल्लर पर थाम रखी हैं जगह जगह पर, ताकि ये पेड़ लंबे समय तक चल सके और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस पेड़ को और इस इतिहास को जान सके। ये देखिए सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है पेड़ के ऊपर, यहीं पर दोस्तों बैठकर भगवान श्री कृष्ण वस्त्र हरण किया करते थे। आप सामने दोस्तों ये घाट देख रहे हो, यहीं पर गोपियां नहाया करती थीं और भगवान श्री कृष्ण इस कदम के पेड़ पर बैठ कर उनके वस्त्र हरण कर लिया करते थे। दोस्तों यहीं चीरघाट से ही आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे प्रेम मंदिर तक के लिए, फिर आप प्रेम मंदिर से दूसरा रिक्शा करके मथुरा रेलवे स्टेशन तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब यहां से मैं जाऊंगा केसी घाट, उस पर दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही धार्मिक जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।